मैं रश्का चलाती हूँ पीछे। फिर रिक्शा कहाँ है? ठहर जाओ एक मिनट। रश्का लगा, ये तो मैं टांग लगी है, ये क्या कर रही हूँ? कौन है ये? आप मेरा घर में इस तरह नहीं होता, नहीं करते। इधर वो बकरी आती है अपने घर से तो वो टरली बांध जाती है, नाल आंदी है बड़ी बड्डी बड्डी और मरार बांध दी है, मर्दी वाला आटा पानी गुन के रखो, मरान दी पैन तुन तुन के रखो। ये लड़का लेकर आता है, वो अपना टाइम पास करता है, पार करके उसको इधर छोड़ देता है, लै साल ये मर्दी रहो तुम्हें, भावे जागो पी तो भावे टीके ला तो भावे जो मर्जी कर। लेकिन मैं जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मैंने बारिश में वो मोटी को इतना मारा, वो इधर है, वो मैंने गंजा उसका कर दिया, बाल मैंने खींच खींच के कुटा, क्योंकि उसने मुझे ये निशान लगाया इतना बड़ा था ना, उसने मुझे काट लिया कुत्ते की तरह, निकाल की तरह मैं गश्ती मार के भावा। फिर मैं बोतल फाड़ ली, पर बोतल टूटी नहीं, होना सिर फट गया। बाइक को पे आते हैं, ले जाते हैं, टाइम पास करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है लड़की। मैं और नहीं मिन्ना तरला नहीं, वो पता ही क्या करता, मिनते तरला करके ले जाता, फिर मुझे मारता पीटता। यहाँ से आइस लेने आई हो? नहीं अभी मैं आइस नहीं पीती। हाँ मैं रश्का चलाती हूँ पीछे। फिर रिक्शा कहाँ है? ठहर जाओ एक मिनट। रश्का लगा, ये देखो मैं टांग लगी है, ये क्या कर रही हूँ? तो यहाँ वो फिर सनाने को क्यों ढूंढ रही हो? मैं वो लड़के को ढूंढ रही हूँ, ये देखो ये मीडिया वालों को मैं भी जानती हूँ, आपके ही चैनल के। शौकत का? हाँ। तो ये शौकत का नंबर क्यों लेके फिर रहे? वक्त में कहना रश्का चला रही थी तो इन लोगों ने इंटरव्यू लिया था। फिर मुँह ना दिखाओ अपना, क्यों जबरदस्ती इन्होंने इंटरव्यू लिया था? जबर इंटरव्यू मांग रहे थे तो इंटरव्यू लिया था। मुझे भी दे दो इंटरव्यू, मैंने वक्त ही दिया, मैंने दोबारा दिया। कौन है ये? आप मेरा घर में इस तरह नहीं होता, नहीं कर प्लीज। कौन है ये? मैं इधर की दरबार की रहने वाली हूँ, आलू मेथी हूँ। इधर वो बकरी आती है अपने घर से तो वो टरली बांध जाती है, देख। नहीं नहीं आपको नहीं कहा उन्होंने, कहा वो वाली लड़की जागो मास्टर है। मैं कभी भी नहीं, कोई भी नशा करती दाता की कसम खा के कहता है। मैंने कहा ये एक्टिव है और जो नशा करता है वो एक्टिव नहीं होता। हाँ कुछ वो बकरी हो। बकरी नहीं हूँ, लड़की हूँ। लड़की हो, मैं दाता की बकरी बोलती हूँ। वो मेरी बात सुनो, वो जो है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो मर्द जाता है ना वो बकरे होते हैं। कहते हैं लड़की देखी नहीं थी, मुंह में टपक पड़ती है लाल। इधर इधर कसम से पुलिस आ जाए ना, वो जो इधर से उठा के ले जाते, इनके इज्जतें नहीं होती किसी की। हमारे तो को भी मारे पड़ रही होती हैं, बंदों से मार पड़ रही होती है। अरे ये इधर साली जो आती ना वो भी अपने घर से रूठी हुई आती है, मारते बंदे वो बेचारी आ जाती हैं, वो बेचारी आके इधर कहानी कोई नहीं होती, आती सिर्फ एक लड़के के पीछे, यहाँ कहानियां बना लेती है, सस ने मारी है, बंदे ने मारी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, लड़का लेकर आता है, वो अपना टाइम पास करता है, पार करके उसको इधर छोड़ जाता है, लै साल ये इतने मर्जी रहो तुम, भावे जागो पी तो भावे टीके ला तो भावे जो मर्जी कर। जागो इतनी सस्ती है? हाँ है, जागो सस्ती मिल जाती है। वही जागो उन्होंने इतनी सस्ती कर दी थी कि हर कोई लड़का लड़की पी रहे, अल्लाह की कसम। वो मैं कहती हूँ नशा सारा बंद करवा दो जी, आप असली न्यूज वाले तो। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता वो ये नशा बंद होगा, क्योंकि इधर ये फुटपाथ साफ करवाओ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, इतने अच्छी अच्छी। आपने फुटपाथ साफ करने के लिए कोई इकदाम किया? क्या किया? मैं करता है, वो करता है? मैं पुलिस वालों के पास जाता है, मैंने कहा ये पुलिस वाले आप भाई हो, इधर वैगने आती हैं वो पुलिस वाले आते हैं, मैंने कहा ये आप फुटपाथ साफ कर दो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, किसी की बेटी है ये, किसी की माँ ये बहन है। आपको पता है? अच्छा आप अपने आप को कहती हैं जी 10 बंदे मैं एक हाथ नाल मैं एक काफी हूं, कल्ली काफी हूं, क्या है ना? हाँ जी इतने सारे मालशे बैठे होंगे ने, फैमिलियां आंदी ने, चंगी गल नहीं किस तरीके नाल कुटदे ने, सानू आप वेख के शर्म आंदी है, तुसी नहीं इन्हां नू कहंदे कि एक पासे लग। मैं कहनी हां मेरी गल सुनो, हुण मैं एक जनी हां, वो सारी मर्द जात तुहाडे कोल जो बात सुनो, वो नशेने होती हैं, नशेने जो होती हैं उनमें ताकत बहुत ज़्यादा आती है, मेरे भी है, लेकिन मैं जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मैंने बारिश में वो मोटी को इतना मारा, मोटी वो इधर है, वो मैंने गंजा उसका कर दिया, बाल मैंने खींच खींच के। धंधा करती है वो ना? धंधा भी करती है, जिसके साथ मर्जी चली जाती है वो इतना सका था उसका, वो उधर सोई हुई है अभी भी। हाँ अब्बा कामा आला है, वो बड़ा बिच पावा आला है, गश्ती दे बच्चा, वो ही सारा कुछ करवाउंदा ही कुड़ी। अच्छा वो मोटी जो साई बनी फिर रही है लड़की? हाँ वो पैंट चपली कभी पहन लेती है, कभी कपड़े पहनते हैं। सना नाम है? मेरा नाम नहीं मुझे पता किसी का। कुटिया से
दो मरतबा मैंने कुटा है, ये उसने मुझे ये निशान लगाया इतना बड़ा सा ना, ये उसने मुझे काट लिया कुत्ते की तरह। अच्छा। हाँ, बारिश में मेरे सारों को साले ने मेरे देखा, बारिश में मैंने उसको बड़ा मारा था। फिर मैंने ना वो बेचारी फिर आ गई मेरे पास, कहती गश्ती, मैं कहा इधर आते, मैं हूँ गश्ती मार के वहाँ वहाँ। फिर मैं बोतल फाड़ ली, पर बोतल टूटी नहीं, उन्हें सिर फट गया। डर नहीं लगता है पेटे ना पै जाए, मर मुर मारी जगह तो कही हो जाए, एक काट हो जाए नशेली। मैं उन्होंने बड़ा रोकनी है, नशा ना पीवो, वो किनू रुकती नहीं है। कितों पैसे लेने ने, घर बार है नहीं, काम काज है नहीं, पर नशे का कितों ले जाते हैं ना उनको, लड़के ले जाते हैं इधर, वो बकरे इतने होते हैं। ये देखो घर वाले भी आते हैं, बाइकों पे आते हैं, कसम से बाइकों पे आते हैं, ले जाते हैं, टाइम पास करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है लड़कियों को। इतने इतने मैल पे दुख नहीं होता एक औरत जात होने के नाते, औरत को इन्होंने टिश्यू पेपर समझा। मैंने मैं क्या करूँ अकेली जनी, अकेली जान, मैं कुछ भी नहीं। अपनी तंजीम बनाए, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ हो तो मैं बना लूंगी। हाँ, आप अपने साथ अपने जैसी बहादुर और जिसके पास दम हो लड़ने के लिए। लड़की आई है कसम से दरबार के अंदर, वो मैं उनको क्या है, मेरे साथ आ जा, मैं तुम्हें घर भी देगा, बार भी देगा, तेरी शादी मनवाएगा। अब मैंने उसको कहा अम्मा वादो के पास चली जा। कौन है वो अम्मा वादो? है मेरी माँ बनी हुई है। मैं काम कर दी, वो ना दरबार की सफाई करती है, मैं खुद भी करती हूँ। वो पैसे लेती, मैं पैसे नहीं लेती। अच्छा। वो मैं उधर से दरबार की, मैंने कहा वो खाना जो खाना मैंने उधर से खा लूँ। अब मैंने शाह बलौर पे रहती हूँ, मेरा डेरा उधर शाह बलौर पे है। अच्छा। बाबा शाह बलौर पे, तेरियाँ मछियाँ तेरे चौल, मैं उधर रहती हूँ। मैं डेरा है आपका? हाँ। डेरे में और कौन कौन? मैं अकेला ही रहता, अब कोई भी नहीं है मेरे साथ। पहले अली था मेरे साथ। अली कौन है? अली इधर इधर बोतलें बेचता था, तो मैं उसको काम के लिए लेकर गई थी बार वाली गली में जो अली रहता। हाँ, वो बोतलें बेचता है। हाँ, बोतलें बेचता है, पठान सा है। अच्छा। तो वो मेरे साथ था पिछली मरतबा, पिछले साल, तीन साल से पहले। तो फिर मैंने कहा भाई तुम अभी चले जाओ, मैंने अभी डेरा छोड़ दिया, वो फिर मैं चली गई। आपके साथ क्या कोई दोस्ती थी या वैसे इज्जत? नहीं नहीं, इज्जत करता था मैं उसको खाना देती थी और कपड़े देती थी और जूता पहनने के लिए देती थी, दवाई भी ला कर देती थी, बस। और मेरा कोई भी उसके साथ रिश्ता। अच्छा, नहीं बंदे कारोबार कोई नहीं, सब छोड़ दिया। किसने? जी हाँ, माँ प्यो। मेरी बात सुनो, मेरे माँ बाप ने मेरे मियाँ की माननी है, मेरी नहीं माननी, तो फिर मैंने क्या करना? उन्होंने शादी की थी आपने? मेरी मम्मा ने, पापा ने की थी। मम्मा पापा जिंदा? सब जिंदा है। मोड़ बहन भाई वाले में, वो मोड़ खुंडा मस्जिद मुनव्वरा मेरा घर में, मेरी मदर का नाम है, मेरे बाप का नाम है गुलाम मोहम्मद गुलाम, लेकिन वो मेरे नहीं बने, मैं क्यों उनके बनूं? अच्छा। मैं क्यों? नहीं नहीं, मिन्ना तरला नहीं, नहीं। वो पता ही क्या करता, मिन्नत तरला करके ले जाता, फिर मुझे मारता पीटता। मैं मेरे बच्चा मेरे 10 साल का मेरा बेटा है, उसको मुझे मिलने नहीं देता। मैंने कहा आप दसिया के एक बच्चा मेरा एक्सीडेंट? नहीं, तीन बेटियाँ मेरे, एक है, हाँ एक है रेहान, एक है फैजान, एक है नुमा कामरान, वो उसको मैं नोमी नोमी बोलती हूँ। वो मैं 5 नंबर टीप से आई हूँ, वो मुझे मारता है, मैं फिर चला जाता है, फिर मैं मिलने के लिए फिर वो मुझे मारते हैं। एक बच्चे की डेथ हुई है? हाँ, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में। अच्छा, दो बच्चे हैं ना? हाँ, वो मेरे मुझे देता ही नहीं बच्चे, मैं लेने जाता है। बच्चे बड़े ने, बच्चे आप प्यो नु कहने के वैसी माँ को? नहीं ना, वो बच्चे भी नहीं थोड़े? नहीं, वो बच्चा तो मेरा बनता है छोटे वाला। वो फिर मैंने कहा मैं इसको किधर लेकर जाऊँगा, मेरा घर बार नहीं है उधर, मैं खुद अपनी पता नहीं रोटी किधर से लाता है, मैं किसी से मांगता नहीं है, अल्लाह की कसम ना मैं इज्जत लुटाता। आपसे औरत से मर्द बनी है, आपने खाना पीना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। आता है ना, वो जब मैं इधर आया एक मुझे पुलिस वाला मिला, वो कहता है जे अगर इतने रहना ही ना दाता थे, सोटा भी ना छड़ी, गाल भी ना छड़ी, तो फिर तू जीवें दी। गाल आंदी है? बड़ी वड्डी वड्डी। और इमरान खान जी दी मर्जी वाला। इमरान खान चंगा लगता? बुरा लगता वो साला मुझे। कट दे हुन, हैं? आटा पानी गुन के रखो, इमरान दी भैन नु तुन तुन के रखो। जी नाज़रीन, ये था एक इंटरव्यू जिसमें एक खातून ने, जो कि यहाँ पर मौजूद है और अरसा 5 साल से मौजूद है, उसने कुछ अपनी ज़ाती आप बीती भी बताई है कि उसके साथ क्या हालात और वाक़ियात हैं और उस हालात पर उसने किस तरह यहाँ सरवाइव किया और लोगों को किस तरह डील करती है, किसके साथ कैसे डीलिंग हो, यहाँ का कुछ पस मंज़र दिखाया। यहाँ पर ख़वातीन लड़कियाँ आती हैं, क्या उनका हाल होता है, सारा आपने सुना है। इसमें बाकी कोई कमी नहीं रहेगी कि मैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूं। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।